आयशा, वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं अपने एक दोस्त के घर गया, बड़ा खुशगवार मूड मेरा सरदार साहब, हाय प्यारी प्यारी हवाएं, हल्की हल्की बूंदा बांदी। मैंने उसके घर की घंटी बजाई, अचानक से एक आवाज आई, दोस्त। अगर वो चीज मेरे सर पे गिरती तो शायद काम पूरा हो जाता। वो टीवी था जनाब। मेरे दोस्त का बड़ा भाई हमारी पूरी कौम की तरह जज्बाती, हमारा मुल्क पाकिस्तान तो हमेशा जीतता है, हमारी टीम अगर कभी कभी हार जाए तो जो सबका रद्द अमल होता है वो मेरे दोस्त के भाई का भी होता है। दरवाजा खुला तो मेरे दोस्त की माँ के पुत्र, माँ कोई गाल नहीं पुत्र, जरा मैं तो लगी थी नहीं, मेरा पुत्र मेरा शहजादा, मेरा पुत्र, साढ़ते नहीं बची, साढ़ते नहीं बची। चेक करके वो मुझे अंदर लेके जा रही है, मुझे कह रही है पागल हो गया। मैं क्या, क्यों माँ जी पागल क्यों हो गया? कहंदी ऐदे चक्कर दे विच ऐदे तो जरा छोटा भरा है वो काम ते नहीं जा रहा। मैं क्या क्यों? कहती है मैंने उसको रखा हुआ है इसके पास, इसको तसल्ली देता रहे, जब बाबर आजम आउट हो तो वो कहता है कि अल रिजवान है। रिजवान आउट हो जाए तो फिर किसी और का नाम लिया जाता है, वो इसको तसल्ली देता रहता है। और एक वक्त तो ऐसा आया उसको डाइवर्ट करने के लिए कि कहीं अगला टीवी और ना तोड़ दे, ये उसको झलकियां दिखा दी। और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप में जीत गया था। खुदा की कसम, टीवी तोड़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे को। और ये वही खिलाड़ी हैं, ये वही हमारे बाबर आजम है, उनके लिए तालियां प्लीज। ये वही शाहिद शाह अफरीदी है, हारिस राउत है। जब ये जीतते हैं तो ऐसी ताली बजाते हो, अगर कभी ना खेला जाए सही तो ट्रोलिंग नहीं, ये मेरे मुल्क की टीम है, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज नहीं जीते तो आइंदा जीतेंगे, मजाक रात में। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारी इस खूबसूरत टीम की तरफ से, इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। अरे ओ शेरा आए, ओ आए, मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। ये बात, हाय 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 हाय, कश्मीरी चाह तो सुनी सी, आज कश्मीरी एक्टर भी वेल है। अच्छा बरतानिया का बैंड मास्टर। ये बात सरदार साहब, और एक ये भी बात होती है, दो खिलाड़ी आउट होए ने ते नाल ही पैसे खा लेने। हाँ। और इतने कॉन्फिडेंस से आयशा कहते हैं कि सुनने वाले को लगता है कि वाकई पैसे खा लिए। इमरान यार नहीं है, हमारी पाकिस्तानी टीम ऐसी नहीं है यार, बुरा वक्त आ जाता है, कभी कभी नहीं भी खेला जाता यार। जो लोग तबसरा कर देने ना, पहले उन्होंने चेक करा करो, जिस बंदे ने कभी जिंदगी खुद गुल्ली डंडा नहीं खेडे होंगे वो कह रहा चौका गलत मार रहा एवं बेचारे प्लेयर ने हल्का जहा इतना कर लिया बिक गया ही। इमरान भाई ये तो बिक गया तो ठीक है, लेकिन अगर मैच के दौरान कोई कुदरती हमारा कोई पॉलिटिशियन दौरे पे चला जाए, डील हो गई। ये अच्छा अंपायर की मोमेंट तो भी देख रहे हैं, अंपायर खारिज करने अंदर। हां लो जी आउट देने लगा जी। और यह जो बंदा हाल च बैठा हो ना क्रिकेट का मैच देख रहा है, यह बंदे का एक्सप्रेशन देखना होता क्या छक्का बजा देता मुंह दा। स्टेडियम च बैठा हो खिलाड़ी कह रहा सिर ते कुछ पा मेरे लिशक पैन डी।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੀਮ ਚ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਦਦ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋ ਗੇਂਦ ਜਿਉ ਜਾਏ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਮਾਰੇ ਅੱਜ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ एक आयशा टीवी का हीरो होता है, एक फिल्म का हीरो होता है। सबसे जरूरी बात होती है जो शख्स जिंदगी का हीरो हो। इस शख्स ने अपनी जिंदगी में डायरेक्टली ही शोबिज में एंट्री नहीं की, पहले अपनी जिंदगी को पूरा मौका दिया, अपनी औलाद को, अपने घर को, और भी बहुत से काम किए। फिर एक ऐसे वक्त में जब आप पक्के हो जाते हैं कि नहीं होते कुछ और ही करेंगे, इस शख्स ने जब शोबिज में एंट्री की तो यूं नहीं की, जिसे मेहनत कहते हैं ना, मेहनत, मैं कहूंगा इस शख्स की मेहनत के लिए पहले पहले सदा सब थिएटर हो, टीवी हो, ड्रामा हो, फिल्म हो, ये वो वोकल है, ये वो आवाज है, ये वो गरज है, ये वो ग्राम है। जितने भी आने वाले अदाकार हैं, अगर वो मुझसे भी अक्सर पूछते हैं कि एक्टिंग सीखने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक्टिंग की जो सबसे जरूरी बात है वो आवाज और वोकल का है। फिर उसके बाद उसके साथ एक्सप्रेशंस और आवाज में लड़ाई रहती है जनाब इस शख्स के। मैं बहुत बड़ा फैन हूं, बल्कि मैं क्या, देखने वाला हर इंसान, वो करोड़ों लोग जो लोग पाकिस्तानी ड्रामा, फिल्म या थिएटर से मुंसलिक हैं, देखते हैं, व्यूअर हैं या काम करते रहे हैं, वो जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अदाकार है, बहुत बड़ा इजाफा है। मैं आप लोगों के सामने इल्तमास करूंगा, इतनी ताली बजानी है मेरे कहने पे नहीं, इस शख्स के नाम के बाद, अगर ये आपके दिलों में रहता है, जो कि मैं जानता हूं, तो ज़ाहिद अहमद आ जाए। साहब तशरीफ रखिए। आवाज की जितनी तारीफ हुई है, जरा कुछ बोल के तो अपनी आवाज तो सुनाइए यार। जाहिद साहब, दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारी इस पूरी खूबसूरत टीम की तरफ से, देखें जी लेजेंड्स बैठे हुए हैं यहाँ, इमरान अशरफ की तरफ से, हमारे इन सब लोगों की तरफ से, आपकी आमद का सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ज़ाहिद। मुझे ये बताएं कि अगर कोई आपकी आवाज 24/7 सुनना चाहे तो वो क्या करे? ओए, शादी, अगर किसी को ऐसी ख्वाहिश है तो अपना इलाज कराए पहली बात। और दूसरा, ऐसा अल्लाह का शुक्र है कोई तरीका नहीं है। हाँ, हफ्ते में कभी कभी मेरा ड्रामा आ जाता है, वो देख लें बस। अच्छा, वैसे भाई जान, वोकल अल्लाह ताला की तरफ से खुद, मतलब ये बना हुआ है या आपको बनाना पड़ता थोड़ा बहुत? देखिए, सच्ची बात है, थोड़ी बहुत मेहनत तो की है इस पे। बिल्कुल, उतार चढ़ाव, लय को समझना, अदायगी, अदायगी बिल्कुल। बिकॉज आवाज, जितनी भी आवाज का भारी होना खूबसूरती नहीं है, क्योंकि एक ही टोन में अगर भारी आवाज भी मुसलसल आए तो बोरिंग लगती है, तो उसको कहीं ना कहीं उसको उतारना भी है, चढ़ाना भी है। ये भी है। ज़ाहिद साहब, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। आए होए, मेरा ख्याल है इससे पहले इस पे काम नहीं हुआ था शायद। इश्क ज़हे नसीब, जिसमें अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जत दी और आपने उसके लिए बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर। बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता आपने उसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना मुश्किल रहा वो किरदार? उस कैरेक्टर पे बात करने से पहले एक बात कहना जरूरी है, प्लीज। उस साल का बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स जरूर उस कैरेक्टर को मिला, और साथ ही बेस्ट एक्टर फैंस, पॉपुलर चॉइस जो है, वो आपका उतना ही जरूरी एक किरदार था, जिसका नाम था भोला।
सच्ची एक बात बताऊं, मेरी और इमरान की वो दोस्ती है कि हम एक दूसरे से जब बात करते हैं ना तो बाकायदा वो फीलिंग आती है कि यार चुप के रखना है कम नू हैं हाँ ते सारी इंडस्ट्री एक तरफ ते असी दोई एक तरफ आए, 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 आए। ये जज्बा होना चाहिए मोहब्बत का। मेरा सरदार साहब का भी यही जज्बा, रात नूं असी मोटर खोलनी होवे ना कि भाई चल भी तू तो मैं ही है, बाकी सुते पे ने खोल। तीसरा भी आया वैसे, दोवां ने मोटर खोल के इहदे सिर ते रखनी, इहनूं कितें लैके निकल। इहदा मतलब सारा काम तुसीं मेरे सिर ते ही करदे। वाह वाह। हाँ, तो इश्क ज़ाहिर नसीब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हमारी कामयाबी तो है ही है, ये हमारी ड्रामा इंडस्ट्री और हमारे मुल्क की कामयाबी है कि अब यहाँ भी डाइवर्स काम हो रहा है और आप लोग पसंद कर रहे हैं। अब कैसा रहा वो किरदार में ढलना, कितना मुश्किल था जाहिद भाई? यार मुख्तसर बात करूँगा, हमारे यहाँ पे लेजेंड्स बैठे हैं, अगर आप वाकिफ नहीं है उस ड्रामे से तो वो एक शख्स है जिसकी दिमागी कैफियत कुछ ऐसी है कि वो अपने परेशानी और अपने गम की वजह से रात को अपनी मेड का तसव्वुर करके एक औरत का रूप अपना ले। उसकी वजह ये बताई थी कि वो शख्स ऐसा क्यों है, क्योंकि बचपन में तलाक एक बड़ी मनहूस चीज़ है, बेशक बेशक, जो उसके पेरेंट्स के दरमियान हुई और सौतेली माँ ने कुछ ऐसा सलूक किया कि उसको प्यार ना मिल सका, और इनफैक्ट पनिशमेंट की भी वो इंतहा रखी कि तहखाने में बंद कर देते थे छोटे बच्चे को जब रोता था, जहाँ पे सिर्फ उसके पास एक कुछ अरसे के लिए मेड थी, काम वाली थी, जो उसको आके संभालती थी कि तुम अच्छे बच्चे हो, और फिर वो भी उससे छीन ली, तो फिर वो एक कैफियत उस पर हावी करता था पहले जानबूझ के, और फिर उसकी पर्सनैलिटी बीच में से दो टुकड़े हो। वाह, दिस वॉज द, जैसा सुना था वैसा ही पाया, इतना अच्छा वोकल माशाल्लाह। क्या बात, क्या देखो इधर वोकल वेख लो, किसी के पैसे इन्होंने लेने भी हो ना तो बोलन तो लगता है इन्होंने देने ही नहीं। मैं कह रहा कि इतना अच्छा वोकल कि ये सानू फख्र करना चाहिए कि साड़े पाकिस्तान से वोकल है। ऐसा ही इतने रात में कह रहे सामीन, इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं और मैं स्टूडियो में अकेला हूँ, मुझे कोई चाय पूछने वाला नहीं। आपको बताने का सिर्फ यही मकसद है कि स्टूडियो को बाहर से ताला लगा, वरना मैं खुद चाय पिया था। तो आप अगर मेरी आवाज सुन रहे तो दो कप बना लें, एक अपने लिए और एक मेरे। लेकिन ये कैसी बात है कि आपको ग्राम बनाना पड़ रहा है और उनका है कुदरती। लेकिन क्या खूबसूरत आवाज है माशाल्लाह। क्या बात, दो आवाज आती है, पहले आवाज है आ रही थी, जान छोड़ दो मेरी जिंदगी से, चले तबाह कर दिया तुमने मुझे। अच्छा मैं जो कह रहा हूँ, उठाओ अपनी ये ना अंजार औलाद और चले जाओ यहाँ से। बेशरम, मेरा ख्याल है वो भी सुपर हिट ड्रामा था। बहुत बहुत अच्छा ड्रामा था, और इंतहा की खुश नसीबी है, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स का आना, आपकी सिलेक्शन होना, आप अवेलेबल होना, सो ये बेशरम में मेरी सिलेक्शन हो जाना, ये नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ब्लेसिंग। क्योंकि एक एक्टर के करियर में आप देख लें तो वो इंतज़ार में रहता है कि यार कब वो वाला प्ले आएगा जिससे मैं रजिस्टर होऊंगा, जिससे लोग नाम याद करेंगे। बहुत सारे एक्टरों का करियर ऐसे गुजर जाता है कि वो हाँ यार वो था कोई एक्टर, हाँ हाँ, लेकिन रजिस्टर नहीं। इमरान साहब इजाजत हो तो एक सवाल मेरा भी है। आटे का सवाल तो नहीं, वो सी बात जो जी शायद भाई अपनी वॉइस के अलावा कोई ऐसी वॉइस जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती हो, जिससे बहुत इंस्पायर हो, कोई ऐसी वॉइस? आवाज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर हम बरे सगीर में रहते हैं तो डिनाई करना मुश्किल है और बेवकूफ़ी भी है, एक बच्चन साहब हैं वहाँ। ओए ओए ओए, आवाज़ उनकी। एक चीज़ होती है, आप किस नोट में बात करते हैं, नोट क्या है आपका, की क्या है आपकी, तो वो जिससे आपकी मिलती है ना उसको आप इससे इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल यार, क्या बोखला मैं भी तुसी किसी दे अगर पैसे देने ने तुम कौन ओ यार कल ले ली, ओ कहता ना रंगबाजी ना कर, पैसे कढ़ के रख, मैं हुणे आ रहे, कढ़ के रख, कढ़ के रख। एक बार कह दे भाई अगले साल पैसे दूंगा, ठीक है जी अगले साल।
अगला टारगेट, अगला कौन सा ऐसा किरदार है जो आप चाहते हैं कि यार अगर ये मिल जाए तो मजे आ जाए? एक ख्वाहिश है और अनकरीब हो सकता है पूरी होने जा रही हो इंशाल्लाह ताला, वो ये है कि हमारे मुल्क में अभी भी मेंटल इलनेस की बहुत कम अवेयरनेस है. बिल्कुल. सो एक नेक्स्ट कैरेक्टर इंशाल्लाह ऐसा. राज भाई, भाईजान, यक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका? करो जितनी मर्जी करनी है, किसी को क्या पता लगे. आपको हुई कभी? हुई भी हो तो वही वाली बात है कि किसी को क्या पता लगा होगा. होती है यार, क्यों नहीं होती? कितने अरसे बाद? मोहब्बत से अजीम जज्बा है, अल्लाह ताला ने बनाया है. प्यार पे तो दुनिया का है. तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो हमने बिल्कुल आपको नंबर भी मिल गया. बस बस ख्याल ऐसी चीज का रखना होता कि हर मोहब्बत का इजहार जरूरी नहीं. आए, क्या जाहिद, बहुत सी लड़कियों का हार्ट ब्रेक हो जाता है जब उनको पता चलता है कि आप मैरिड हैं और वो भी आपने अरेंज मैरिज की है, तो ये फिर किस तरह से? मैं इसका कोई बंदोबस्त कर रहा हूँ. क्या बात. माशाल्लाह सर जी, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर जी आपकी? तबीयत ठीक है सर जी? मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि लोगों ने समझाया है कि वक्त बदलता है और वक्त ने बताया है कि लोग बदलते हैं. लोगों ने समझाया है कि वक्त बदलता है और वक्त ने बताया है कि लोग बदलते हैं. लोग तो मारते हैं प्यार वाले बाउंसर, आई एम ए डिस्को डांसर. सर, कुदरत ने आपको पुरकशिश शख्सियत के साथ साथ खूबसूरत आवाज भी दी है. माशाल्लाह सर, मैंने इस पे भी कुछ लिखा है. दिल पे जादू है तेरी आवाज का, चल गया है तीर तीर अंदाज का. है अदाकारी तेरी मशहूर पर, फैसल फैन है तेरे अंदाज का. है अदाकारी तेरी मशहूर बहुत, फैसल फैन है तेरे अंदाज का. तुझे देख के हर हसीना ये कहे, बे गुजरावे. सर, एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे. तुम्हारे बड़े खूबसूरत हैं. सर, एक और बात आपसे कहना चाहूं. सर माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं आप. सच में सर, आप मेरे भाइयों की तरह हैं और मैं भी आपका भाई हूँ. योना मीना का गलती का एतराफ करने से कोई इंसान छोटा नहीं होता. सर, इसमें मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है. ठीक करने की जुस्तजू दिल में, ठीक करने की जुस्तजू दिल में, उसकी पहचान से ही होती है. मान लेने में कोई आर नहीं, गलती इंसान से ही होती है. एक गलती पे ये बहस है बेकार, यार तेरा सुपरस्टार देश. गलती क्यों टेंशन ले रहे, तुसी तैयार रहो इस कमले. गलती पे डट जाने वाले ये याद रखें, जो बड़ा इंसान होता है वो अपनी गलती मानने में देर नहीं करता. वाँ, वाँ, वाँ. और तारीख गवाह है कि लोगों ने जो कुछ सीखा है अपनी गलतियों से ही सीखा है. सर, क्या बात है फैसल साहब. एक छोटा सा शेर है, इसमें छुपा है आपकी इस्लाह का पहलू. आहा, गलती पे डट ना जाओ कि मसला अना का है. उसकी सफात में कई शामिल है चौंक भी, इंसान इसीलिए पुतला खता का है. गलती से जो सीखे वो इंसान पसंद है. ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट भी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है. ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट भी बंद है, कैसे मैं आऊं. नाउ
भी बंद है। जाहिद भाई अगला ड्रामा कब आ रहा है? और है मुबारक अस्सलाम वालेकुम आला भैया कैसे हैं आजादियां भाई? जाहिद भी आएगा, मैं फूलन नाल तरती सजावांगा मोती पान वाला। अरे पता चला, मैंने खबरी रखा है यहाँ पे आपके शो में कि जब जाहिद आएंगे मुझे वो बताएंगे है। मैं दीवाना हूँ, फैन हूँ इनका। अरे मोती पान वाला आपका दीवाना है, बस आप आए तशरीफ लाए तो ये पान आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये रख लीजिए। जरूर रख ले, वहां रख दें हम शो के बाद खा लें। आप रख लेते ना तो आपने सुना पान का आते के टोकरियां बहुतियां भेज देने एक पान दे नाल टोकरी दे देने। अच्छा आप किस बात पे? आपकी हर बात पे हूं। आपने सुना कराची जाना है थोड़ी देर में वापस, दो मिनट के लिए मेरे साथ चलना है, साथ ही मोहल्ला है हमारा, खैरियत हो, यही को 50 मील की दूरी पे, तो आपने चलना है। फिल्टर प्लांट का आपने इफ्तिताह करना है, तो उसके बाद सर्दियां आ रही हैं, गीजर लेना है किस्तों पे, तो वो कहता है कोई मुअज्जज आदमी अगर आपकी जगह जमानत दे दे। शाबाश, तो और एक आपके वोकल से काम लेना, आपकी भाभी नसीबन झगड़ के जा चुकी है। मैं खत नहीं लिख सकता, मैं उसे एक मैसेज भेजना चाहता हूँ, वोकल मैसेज। जो मैं कहूँगा अपनी आवाज़ में आप रिकॉर्ड करवा देंगे, उस पर असर अंदाज हो जाएगा ना जरा। आपने कहना है नसीबन, ये भी कहना है नसीबन, ये किसने कहना है? Very good, नसीबन, नसीबन, घर लौटा हो, घर लौटा, वरना मोती मर जाएगा, वरना मोती मर जाएगा। नहीं जरा इसमें फीलिंग लाई, मरने वाली फीलिंग लाई ना। अच्छा, मुझे हल्की हल्की खुशी भी हो रही है ना सर। नसीबन अगर तुमने मोती के साथ बेवफाई की ना तो मोती चलती हुई ट्रेन के आगे से निकल जाएगा। ठहरे ना थोड़े से। आप ये कहिएगा ना नसीबन, नसीबन नहीं नसीबन, नसीबन अगर तुम घर लौट के ना आए, अगर तुम घर लौट के ना आए तो मोती, तो मोती चलती हुई ट्रेन के आगे से, चलती हुई ट्रेन के आगे से शो करके निकल जाएगा। क्या करके? शो करके, शो करके निकल जाएगा। कराची वापस जा रहे हैं जी, जी। अगर आप मेरे साथ चले, भैंस रखी हुई है वो 15-20 दिन से दूध ही नहीं दे रही, आपने उसके कान में वोकल में जाके इसी आवाज में कह दिया। क्या कहेंगे उसके कान में? मैं आपसे मुझे दूध चाहिए आपसे, मैं कह रहा हूं आपको। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे दूध चाहिए, मैं दूध के बगैर आपको कराची जाने नहीं दूंगा, वरना थिएटर से शुरुआत की या रेडियो से? जाहिद भाई मीडिया का सबसे पहला एक्सपीरियंस रेडियो था। आयशा मैंने थिएटर में ऐसे बहुत सारे अदाकार देखे हैं जिन्होंने थिएटर में तो बहुत बड़ा बड़ा परफॉर्म किया, लेकिन जब भी टीवी स्क्रीन का जब क्लोज बनता है तो वो थोड़ा मुश्किल में पड़ जाते हैं। कितनी मुश्किल हुई जब कैमरा इधर आया, जब आप ये नहीं कर सकते थे, जब आप ये नहीं कर सकते थे कि यहां से लेके आखिरी जो शायकीन बैठे उनमें आखिरी इंसान तक भी आवाज जाए। अगर आप बैठे हुए थिएटर देख रहे हैं तो जो परफॉर्मर है वो आपको 2 इंच का नजर आ रहा है ना, स्टेज पे जो बंदा है वो 2-3 इंच का नजर आ रहा है। वाह, अब उसने अपनी पूरी बॉडी को इस्तेमाल करके ओवर एग्जैजरेट करके परफॉर्मेंस देनी है। क्या क्या बारीक, वो चाहे कॉमेडी है, वो चाहे गम है, इमोशन है, सॉरो है, उसने पूरी बॉडी से दिखाना है। जब कैमरा आपके ऊपर आ जाता है और ये क्लोजअप बन रहा है तो अब आपके पास सवाल एक नया उठता है कि क्या आप अपने चेहरे के मसल्स को इतना अच्छा जानते हैं कि यहाँ से सौरव दिखाना है या नहीं दिखा सकते। ये जो इंसानी इमोशंस है हमारे पास, गम है,
फिक्र है, तजस्सुस है, इसमें बहुत बारीक फर्क है। वाह वाह वाह। मेरे हिसाब से रेडियो सबसे खतरनाक मीडिया। हाँ। उसमें आवाज के साथ ही आपने बताना आपको दर्द हो रही है, आप क्या फीलिंग दे रहे हैं, आवाज के साथ ही उसका ही काम है ये। आप सोचिए, आपकी हम देख नहीं रहे आपको, आपकी तस्वीर सामने नहीं है, आपके पास मार्जिन नहीं है कि आप एक्सप्रेशन से बता सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हैं, आपके पास अपना दर्द, अपनी खुशी, अपना जो भी इमोशन है वो समझाने, बताने और दिखाने का एक ही तरीका है आवाज। तीन इमोशंस बताइए, खुशी, गम, गुस्सा। खुशी, देखो बेटा मुबारक हो, मुझे पता चला आप पास हो गए, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। काहे ये इसी इसी जुमले को गम, बेटा मुझे आज इस बात का पता चला है कि तुम पास हो गए हो और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छे से, बहुत खुशी हो रही है, एक्चुअली बहुत अच्छे, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब यही गुस्से में, अब यही गुस्से में, बहुत अच्छे। बेटा मुबारक हो आपको, मुझे पता चला कि तुम पास हो गए हो और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। यही डायलॉग हूं, नाच के बोलो। बेटा मुबारक हो, मुझे पता चला कि तुम पास हो गए। हनी भाई जनाब, ना सिर्फ टीवी का अदाकार, हर स्टेज का अदाकार, कैमरे के अदाकार, माइक के अदाकार, यहां ये मौजूद हैं, तो हमारी स्पॉटलाइट के बारे में आप क्या कहते हैं? आज हमारी ये जो स्पॉटलाइट है आपकी आवाज की गनगरज सुनेगी और आज आज वो झूम उठेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान Zaid Ahmed Saab, please come, spot is yours. ये एक इंतहाई स्पेशल चीज़ है क्योंकि इस मुल्क को जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी की तगदो से हासिल किया, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उस पे बेस करके मुझे ये शर्फ हासिल हुआ था कि मैंने दो प्लेज में उनका रोल अदा किया था। छा गए थे आप, पूरा पाकिस्तान ही आवाज जानता। मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि एक सेकंड के लिए तसव्वुर करें कि ऐसे थे हमारे जिन्ना साहब, अगर आंखें तो दो सेकंड के लिए बंद कर लें। क्यों तो नहीं? और मजा। प्लीज प्लीज, इफ यू वांट टू मेक दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान happy and prosperous, you must wholly and solely concentrate on the well-being of the people, especially of the masses and the poor. Oh, ho, ho. यही रहेगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं टैलेंट का पहाड़ ज़ाहिद अहमद। और देखते रहिए मजाक रहा। ऑडियंस बैठिए, वो आते हैं तो हमारे मजाकरात में चार चांद लग जाते हैं। इनकी वो आंखें जब टीवी स्क्रीन पे हम में से किसी पर पड़ती हैं तो खुदा ने जो किस्मत हमारे लिए लिखी है वो कहानी आगे बढ़ती है। आपके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके लिए ताली बजाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक। नाम? खदीजा आसिर। क्या बनना चाहती हैं?
मैं अभी तो मैं FSC प्री मेडिकल कर रही हूँ, डॉक्टर का इरादा है, लेकिन अब आप आगे देखें जो अल्लाह की। बल्कि समझाइए ना कि डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर रहिएगा, क्योंकि डॉक्टर बन के शादी कर लेती है। हाँ हाँ, वो जिन्हें मरीज चेक कर रहे हो, खामदा मोबाइल चेक कर रही हो। क्या कहना चाहती हैं? मेरा सर आपसे सवाल है कि आपने बहुत सारे ड्रामास किए, सीरियस रोल भी किए और भोला जैसा मुश्किल करेक्टर भी किया, तो आपका पर्सनल फेवरेट करेक्टर कौन सा है? देखिए, भोला जो है उसको मैंने कभी भी कैरेक्टर नहीं समझा। जो आपके मोहसिन होते हैं ना, उनको कैरेक्टर नहीं समझा जाता। वो मेरा मोहसिन है, भोला मेरा मोहसिन है। मूसा मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। लेकिन आजकल जो मुरीद आ रहा है, अभी तो आप उसकी परतें देख रहे हैं जो खुल रही हैं। जब वो 10वीं 12वीं किस्त पे जाएगा, तो मुझे इस लड़के से इश्क है जिसका नाम मुरीद है। नमक हराम की बात कर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूं। नाम बताइए। विश्मा। विश्मा का मतलब क्या होता है? बारिश का कतरा। ओह, विश्मा, बारिश की बूंद। पुरानी फिल्मों में लड़ाई होती थी, जहां विश्मा। क्या कहना चाहती है? मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आई नो कि यू वेरी बिग ऑन स्पिरिचुअलिटी, राइट? तो आपको बचपन में एक ख्वाब आता था कि यू आर एन एक्टर, तो अब तो आपका ड्रीम पूरा हो गया, तो डज दैट ड्रीम स्टिल लिंगर ऑन आपके सबकॉन्शियस में, या आप कोई और ख्वाब देखते हैं आप? ये तो कोई बड़ी पतली आपकी व्यूअर है, फैन है ये। वंडरफुल क्वेश्चन। और वो ख्वाब पूरा हो गया, एंड नाउ बिलीव इट और नॉट, देयर इज अ वैक्यूम इन माय लाइफ के what next, and that's something that actually worries me, lekin I don't worry about it, kyunki Allah taala pe ab itna yakeen ho gaya hai ki ek khwab pura ho gaya to agli manzil bhi nazar aayi jayegi kisi na kisi tarah. But you're very right. Ek wo khali space hai zarur. So do you think acting aapka cause tha, ya acting aapka purpose tha, ya you were destined to be an actor? One of the purposes, yes. एक था, पूरा हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान सिर्फ एक ही मकसद के लिए हो, आगे भी हो सकता है और मकासद खुले। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। नाम बताइए। आयशा। क्या करती है? सिंगिंग। ओए, सिंगर, अरे वाह, आया आया आया, क्या अच्छा, क्या जादूगर दी बकरी दी, वाह। फिर तो हम खुश नसीब हैं, आप कुछ सुनाइए ना हमें। मैं आपके ही ड्रामा रक्से बिस्मिल का OST सुनाऊंगी। ओए ओए, सुनाइए सुनाइए। साजन प्रीत लगा के बसो हमारी नगरी में ही सुंदर मुख दिखला जा, मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला सावल यार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लोलू चीख पुकार वे, मेरे लोलू चीख पुकार वे, कदिया मिल सावल यार वे। आप ब्यूटीफुल वॉइस यार, माशाल्लाह भाई। अब तक की जितनी ऑडियंस गाई है मुज़ाकरात में, आपने सबसे बेहतर गाया। क्या बात, थैंक यू गाया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
एक जेब काली एक जेब ग्रीन एक किसे दी है ना नाम सर याहिया हारून क्या कहना चाहेंगे सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर से सर इश्क से नसीब में आपने समीरा का कैरेक्टर किया अगर हमारे लिए थोड़ा सा कर दे तो ऐसे डिले फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या आए हाय अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है ईमान फातिमा या ईमान कैसी आप ठीक हैं मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह कैसा लगा शो बहुत अच्छा अच्छा लगा या क्या कहना चाहती हैं सॉन्ग सुनाना चाहती हूं सुनाइए अगलावा मजबूरी नु आन जान दी पसूड़े नु जहर बने हां तेरी पी जावा मैं पूरी नु आना से ओने आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूड़ी नु रावा च बावा च ओनु लुकम कोई मैनु ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनु खबर कि मैं होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हां बणया बणाइयां दी गल बात कि मैं होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे अलग बहुत अलग अलग आपको कामयाब करे आमीन खुश रहे खुश रहे आपके आने का बहुत शुक्रिया थैंक यू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक आप कैसी हैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह यू लुक स्टनिंग टुडे थैंक यू वेरी मच यार आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट योर वर्क बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपका काम काबिले तारीफ है और सिर्फ आपके काम को अप्रिशिएट करने के लिए मैं आज यहाँ आई हूँ आपका बहुत शुक्रिया आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कहाँ से आई हैं कराची से क्या आपकी आमद ने हमें अप्रिशिएट कर दिया क्या कहना चाहेंगी आपसे एक रिक्वेस्ट है जी जी रक्स बिस्मिल का जो आपका फेवरेट डायलॉग हो वो आज आप मेरे लिए सुना दें यहाँ आपका नाम पूरा माहम बशीर बर्बाद करने वाले आबादी की दुआ देते हुए अच्छे नहीं लगते माहम बशीर बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम नाम बताइए मुजम्मिल मेहंदी मुजम्मिल मेहंदी साहब क्या कहना चाहेंगे मैं गजल थोड़ी सी आपको सुनाना चाहता हूँ बहुत अच्छे नाल कौन बैठा जैसा बड़ा मेरे रखा जी नियते शो भर न जाए कहीं अरे जियो तू भी दिल से उतर न जाए कहीं भर न जाए कहीं आज देखा है तुझको देर के बाद तेरी खबर है आज देखा है तुझको देर के बाद आज का दिन गुजर न जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियते शो हेलो हाय सर मैं आपको कलामिक बार सुनाना चाहती हूँ शबनम मजीद ने वो गाया हुआ अरे ला फिर एक बार वही ला फिर एक बार वही वादा जा मैं साकी हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी
ला फिर एक बार वही, ला फिर एक बार वही, बादाओ जा मैं साकी मेरी मीनाए गजल में थी जरा सी बाकी, मेरी मीनाए गजल में थी जरा सी बाकी, शेख कहता है कि है, शेख कहता है कि है, ये भी हरा मैं साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ऐसा की, ला फिर एक बार वही, ला फिर एक बार वही, बादों का मैं साकी। क्या बात है, क्या बात है। जाहिद साहब, इमरान साहब, एक दुआ है, खुदा करे कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए। सर, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑन साहब, आइए ना प्लीज़, जादू जगाइए ना प्लीज़।